आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज का जो क्वेश्चन दोस्तों आपका डाइस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इन द आंसर फिगर कैन नॉट बी मेड बेस्ड ऑन द अनफोल्डेड क्यूब इन द क्वेश्चन फिगर। आप लोगों को ओपन डाइस दे रखा है दोस्तों, अब आप यहाँ देखिएगा क्या होता है ओपन डाइस का कंसेप्ट। ओपन डाइस का अगर मैं कंसेप्ट बताऊं तो अल्टरनेटिव जो अल्टरनेट प्लग होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेट जो फेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अल्टरनेट आप लोगों के जो फेस हैं वो क्या रहेंगे, अपोजिट्स रहेंगे। क्लियर है ये दूसरों आप लोगों को? चलिए चलिएगा देखिएगा कैसे काम करने वाले हैं अपने यहाँ पे। अब तो आप लोगों का अगर मैं अपोजिट्स निकाल देता हूँ दोस्तों, तो क्रॉस का जो अपोजिट है, इस तरीके का जो आकृति बन रही है आप लोगों के पास बॉक्स के अंदर, तो इसका अपोजिट क्या होगा सर, इसका अपोजिट होगा एक आयत जो रेक्टेंगल बन रहा है आप लोगों के पास। क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है, चलिएगा। अगर मैं बात करता हूँ सर बिंदु का, एक बिंदु का अपोजिट क्या होगा सर, ये चूंकि का साइन जो दे रखा है आप लोगों को यहाँ पे, पांच जो डाइस दे रखे आप लोगों को वो होगा। क्लियर है, चलिए। दोनों आपस में एक दूसरे का अपोजिट रहने वाले हैं। अगर मैं सर्कल का अपोजिट बात करता हूँ तो कुछ इस तरीके की आकृति आप लोगों को बन रही है, जहाँ एक्स्ट्रा क्या निकल रहे हैं, एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ है आप लोगों का यहाँ पे, और उस तरीके की आकृति को आपको क्या बनाना है, हैशटैग बोल सकते हो आप लोग इस आकृति को, है ना, या फिर आप सीढ़ी की आकृति बोल सकते हो, उसमें क्या है अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है चीज। अब बात की गई सर कैन नॉट बी मेड, मतलब जो नहीं बनाया जा सकता, मतलब जो अपोजिट होंगे वो एक साथ नहीं आएंगे। हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई भी डाइस बनता है तो उसके अपोजिट एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए के पास चलते हैं, ए बी सी और डी, चार ऑप्शन है आपके पास, चारों के पास एक एक करके चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए के बारे में बात करूं तो सर ये जो क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बाद चूकी और एक बात क्या है, ये सीढ़ी बोल सकते हो आप लोग। तो रेक्टेंगल, चूकी और सीढ़ी तीनों अलग अलग पार्ट के, तीनों अलग अलग के अपोजिट्स है ना। क्लियर है, तो ये पास पास आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं सर। तो क्या ये आपका आंसर होगा सर, ये पॉसिबल है, क्यूब पॉसिबल है, क्यूब पॉसिबल है या नहीं है, क्यूब पॉसिबल और नॉट। क्लियर है, तो क्या सर क्यूब तो पॉसिबल है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं डाइस, डाइस पॉसिबल या नहीं है सर, डाइस तो बन सकता है लेकिन आपका आंसर ये नहीं हो सकता। चलिए अब बिंदु है, बिंदु के बाद सर क्रॉस आ गया, क्रॉस के बाद सर डिब्बा आ गया। देखिए क्रॉस और डिब्बा एक साथ आ सकते हैं क्या, नहीं सर, क्रॉस और डिब्बा पड़ोसी हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते ये सर, क्रॉस और रेक्टेंगल कभी भी पड़ोसी नहीं होंगे। किसका कारण क्या है सर, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसलिए सर ये डाइस नहीं बनेगा और ये आपका आंसर हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं सर, चूंकि ये पांच वो पॉइंट वाला है और उसके बाद सर ब्रैकेट और उसके बाद क्या है सर क्रॉस, तो ये चूंकि और ये वाला ब्रैकेट है जो क्या है, ये सीढ़ी आप लोग बोलते हो क्रॉस, क्या तीनों एक साथ आ सकते हैं, बिल्कुल सर आ सकते हैं लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये डाइस बन जाएगा आपका। फिर है सर एक बिंदु, बिल्कुल सर बिंदु है, सर्किल है आपका और क्रॉस है, तीनों अलग अलग जगह से आए हैं इसलिए सर ये क्यूब डाइस बन जाएगा लेकिन ये आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, ये आप लोगों का नहीं बन सकता। क्लियर दोस्तों, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।